सिंधु, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें क्या बताना है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में क्या करना, हमें डिस्कस करना है कि टर्मिनेटिंग कौन सी टर्म होगी और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी टर्म होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी फॉर्म आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में मिलेगी और पी बाई क्यू की फॉर्म का आपको पता भी है। अब इसको क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर बोल देते हैं। कब, जब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो और पी एंड क्यू आर क्या हो, आपका इंटीजर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म के अंदर गिवन है, अगर आप उसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर आपको इनके बारे में डिस्कस करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यों हुआ ना, क्यों वाला क्यों के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे हम, क्यों के प्राइम फैक्टर। अगर के क्यों के जो प्राइम फैक्टर ना डियर स्टूडेंट्स, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ जाए, यानी कि जब इसके फैक्टर करें ना हम क्यों के, तो उसके अंदर 2 और 5 आए, उसके फैक्टर के अंदर क्या आए, 2 और 5 आए, तो उसको हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अगर डियर स्टूडेंट्स 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 को छोड़ के कोई भी एलिमेंट आ जाएगा, तो उसको हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 आ जाए तो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जरूरी नहीं है कि टर्मिनेटिंग के 2 और 5 दोनों की दोनों क्वांटिटी ही आए। टर्मिनेटिंग की जब बात करेंगे हम, हो सकता है कि उसके फैक्टर करें ना, तो सारे के सारे एलिमेंट क्या आ जाएं डियर स्टूडेंट्स, 2 आ जाएं। हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट क्या आ जाएं, 5 आ जाएं, या दोनों के दोनों एलिमेंट आ जाएं, तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई भी अदर एलिमेंट आता है, तो उसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स 2 और 5, अकेला 2 या अकेला 5। डियर स्टूडेंट्स, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में मैंने बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला सम है, उसके अंदर हमें क्या गिवन है, 13/3125। डियर स्टूडेंट्स ये आपका पी, डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्यू। हमें इसके अंदर क्या बताना है कि चीजें टर्मिनेटिंग होंगी या चीजें क्या होंगी, जो क्वेश्चन आपको दिया है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जो आपका नीचे वाला डिजिट है क्यू की जो वैल्यू है, उसके आप फैक्टर करेंगे, कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो पहले इसके हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। जैसे 3, 1, 2, 5। डियर स्टूडेंट्स, आपका पहला प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 2। तो 2 से तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट होने के लिए लास्ट एलिमेंट को 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, 5 है, तो 2 से कैंसिल तो नहीं हो रहा। फिर हम 3 पे जाएंगे, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11। अगर इनका जोड़ 3 से भाग होता तो ये कंप्लीट एलिमेंट भी किससे डिवाइड हो जाता डियर स्टूडेंट्स, 3 से। लेकिन ये 3 से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो अब कहां पे जाएंगे हम, 5 के ऊपर जाएंगे, 5 से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें पता अगर लास्ट एलिमेंट 5 है या 0 है, तो वो चीज पक्का किससे जाएगी, 5 से कैंसिल हो जाएगी। तो 5 से कैंसिल आउट किया, 5 6 जा, 5 2 जा और 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, और डियर स्टूडेंट्स 5 5 जा। डियर स्टूडेंट्स, हम इसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए, और फैक्टर कर लिए तो हम इसके क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 13/5 × 5 × 5 और 5, मतलब डियर स्टूडेंट्स 5 की पावर 5। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर क्यू के अंदर 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आ जाएं, तो डियर स्टूडेंट्स उनको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग टर्म बोलेंगे। कैसे टर्म बोलेंगे डियर स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 5 है 5, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग टर्म। इसको हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सम था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसका
एक दो पार्ट या दो चार पार्ट और हम क्या करते हैं डिस्कस करके देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे सेकंड पार्ट कहता है 17/8, ये आपका पी, ये आपका चौ। 17/8 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा 2 4 जा और 2 2 जा, यानी कि 2 × 2 × 2 मतलब 17/3। अगर 2 की पावर 3 है तो हमने वही हमारा आगा क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, 2 आ जाए नीचे या अकेला 5 आ जाए या दोनों के दोनों 2 और 5 आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स वो टर्म्स आपकी क्या कहलाएंगे टर्मिनेटिंग टर्म कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपकी कैसी टर्म है टर्मिनेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये सम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है 64/4, 5, 5 पी बाई क्यू। तो इसके फैक्टर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 4, 5 और 5, 5 से ही जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 5 9 = 45, 5 1 = 5, 7 1 = 7 3 तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं जो 4, 5, 5 बना डियर स्टूडेंट्स उसके जो फैक्टर आपने फाइंड आउट किए उसके अंदर जो फैक्टर है वो 5, 7 और 39 है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये आप समझ ही गए होंगे देखते ही इसको, ये क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज जो इसके प्राइम फैक्टर हैं उसके अंदर हमें 2 और 5 से ये था लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा डियर स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया 7 एंड 13। अगर यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसका मतलब डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होता वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट सम क्या है इसका 15/1600 मतलब p/q की फॉर्म में। तो 1600 के हम फैक्टर कर लेते हैं 2 8 = 2 4 = 2 2 = 2 0 को हम एक साथ ही लिख रहे हैं डियर फ्रेंड्स 2 1 = 2 5 = 2 2 = 4 2 5 = 5 5 = 25। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी डियर स्टूडेंट्स 6 और 5 की पावर कितनी डियर स्टूडेंट्स 2। तो अगर क्योंकि जो वैल्यू है आपकी डेनोमिनेटर है अगर उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 आए तो उसको डियर स्टूडेंट्स अब क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्म्स। तो ये हमारी कैसी टर्म्स होगी डियर स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 4। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप ये समझना जिसके फर्स्ट पार्ट के अंदर टोटल 10 सम है जिसके अंदर से मैंने 4 को क्या कर दिया डिस्कस कर दिया है। इस तरीके से हम एक दो सम और देखते हैं जैसे हमारा 7th सम ऑलरेडी इन्होंने फैक्टर में दे रखा है। जैसे क्या रखा है 7th सम में हमारा 129 बाई कितना 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर कितने डियर स्टूडेंट्स 5। तो अब क्या है फैक्टर करने की जरूरत हमें है ही नहीं क्योंकि फैक्टर तो हमारे पास क्या है ऑलरेडी गिवन है 2 5 और कितना 7। अगर फैक्टर के अंदर 2 और 5 आए उसके अलावा कोई एलिमेंट आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि वो जो सम होगा आपका उसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 6/15 है डियर स्टूडेंट्स क्या है 6/15 अगर 6 इसको हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई
फाइव और थ्री मल्टीप्लाई फाइव आते ही आप देखोगे और आप खुद ही बोलोगे डिस्टेंस क्या सर यहाँ पे तो तीन आ गया, अगर यहाँ पे दो होता तो इसको हम क्या बोलते टर्मिनेटिंग बोलते, लेकिन अगर तीन आ गया तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस नॉट। तो डिस्टेंस हम करते हैं सम नंबर सेकंड। सम नंबर सेकंड में डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है आपके इस किस्म के बारे में, ये कहता है कि जो फर्स्ट सम है ना आपका उसके अंदर जो टर्म टर्मिनेटिंग थी उसको आपको किस क्या करके दिखाना है एक्सपेंशन फॉर्म के अंदर लिख के दिखाना है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या था फर्स्ट सम 13 अपॉन 3125। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हमें क्या करना है एक्सपेंशन फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो इसको मतलब क्या करेंगे हम 13 को हमें किससे डिवाइड करना है डियर स्टूडेंट्स से 3125 से। तो हम क्या करेंगे हमने देखा ये तो क्या एलिमेंट छोटा है तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स जीरो और जीरो करेंगे तो क्या पॉइंट लगाएंगे अब भी छोटा है तो फिर क्या जीरो अगेन जीरो डियर स्टूडेंट्स अब भी क्या छोटा है तो फिर क्या डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जीरो तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी किससे जीरो। अब फिर देखें डियर स्टूडेंट्स ये किस पे जाएगी तो हमने देखा किस पे जा रही है चार तीन बारह चार से जाएगी डियर स्टूडेंट्स तो चार पांच बीस चार दो आठ दो दस एक कैरी चार एक चार और एक पांच डियर स्टूडेंट कितना जीरो जीरो फाइव डियर स्टूडेंट्स कितना जीरो इस पे जाएगी डियर स्टूडेंट्स वन के ऊपर जाएगी थ्री वन टू फाइव फाइव सेवन एट वन डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप यहां पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखेंगे इस पे जाएगी डियर स्टूडेंट्स छह पे देखते हैं छह पांच तीस छह दो बारह और तीन पंद्रह छह कम छह और एक सात छह तीन अठारह। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसकी क्या आ गई एक्सपेंशन फॉर्म आ गई डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से कोई भी जो आपका सम है एक्सपेंशन के रूप में लिखने का तो आप इसको इससे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका एक सम मैंने क्या कर दिया आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर दिया। डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से रेशनल नंबर के जितने भी सम है उसको आप क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है फिर उसको क्या करेंगे आप एक्सपेंशन की फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका सम नंबर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका सम नंबर थर्ड। डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है इसके बारे में कुछ नंबर समय की मन है उसको P by Q की फॉर्म के अंदर आपको डियर स्टूडेंट्स लिख के दिखाना है और P by Q की फॉर्म के अंदर लिख के दिखाना है और बताना है हमें वो चीज को P by Q की फॉर्म के अंदर लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। अगर लिख पाएंगे तो हम उसको रेशनल नंबर बोलेंगे नहीं लिख पाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे वो रेशनल नंबर नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो पहला सम हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या है 43.12345678 9। तो डियर स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे दो चार छ आठ और कितना डियर स्टूडेंट्स नौ। तो एक के बाद डियर स्टूडेंट हमने कितना एलिमेंट लगा दिए एक के बाद नाइन एलिमेंट्स उनको फिलअप कर दिया किसके द्वारा जीरो के द्वारा। तो जो आपको पूरा पॉइंट था वो क्या हो गया एलिमिनेट हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या कर दिया इसको लिख दिया किस फॉर्म के अंदर डियर स्टूडेंट्स पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर। अगर कोई नंबर आप P by Q की फॉर्म के अंदर लिख पाए अगर ये नंबर इंटीजर है और नीचे वाला नंबर है वो आपका जीरो के बराबर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स रेशनल नंबर। अगर हमें इसको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसके हम इसके फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर किसके रूप में आ जाए डियर स्टूडेंट्स टू की पावर एन और फाइव की पावर एम। अगर इसके रूम में इसके फैक्टर आ गए तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलेंगे ये टर्म्स कैसी है डियर स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो स्टूडेंट्स वो इसके रूप में ही आएंगे तो इस सम को हम क्या बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग टर्म। डियर स्टूडेंट्स सेकेंड सम हमारा क्या कहता है जीरो 120 ऐसे लिख रहा क्या है डियर स्टूडेंट्स का हमें पता ही नहीं इसके अंदर कितने एलिमेंट है तो इसका एलिमिनेट जो पॉइंट है उसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अगर एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो इसको हम P by Q की फॉर्म के अंदर नहीं लिख पाएंगे और ये क्या लिखेंगे हम इसको ये क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये क्या वैल्यू बढ़ती ही जा रही है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स है। और डियर स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड सम है वो बिल्कुल जो हमारा फर्स्ट सम था उसके जैसे ही किया करोगे इसको आप
ऐसे ही डाल दो। डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्या डाला हुआ है, बार डाला हुआ है। बार डालने का मतलब क्या है, ये वर्ड एलिमेंट क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर बार बार आ रहे हैं। डिवाइड करने के बाद डियर स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं, ये अक्सर बार बार आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उस सम को आप क्या बोलेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर लिख पाएंगे उसको। इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और लिखने के बाद वही टू के एन फाइव के एन के फॉर्म के अंदर उसे फैक्टर आ गए तो टर्मिनेटिंग, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। डियर स्टूडेंट्स के ऊपर बार है, बार का मतलब है बार बार वो एलिमेंट आते रहते हैं, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोलेंगे। और आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्म में लिखने के बाद उसको आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 5 एन और 2 की 5 की पावर एम के रूप में अगर आप लिख पाए तो वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4। आशा करता हूं आपको ये एक्सरसाइज क्या होगी समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।